महायुद्ध में आज बात रूस पर होने वाले अमेरिकी हमलों की करेंगे, जिसे लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचना शुरू भी हो गया और इस वक्त 10 करोड़ से ज्यादा अमेरिका के नागरिकों ने साफ कह दिया है कि बाइडेन सरकार को रूस पर पूरी ताकत से हमला कर देना चाहिए। इधर इस रिपोर्ट के आने के बाद से ये अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि क्या यूक्रेन की जमीन से रूस पर अमेरिका के 13 लाख सैनिक हमला भी कर सकते हैं। जंग को तैयार 10 करोड़ अमेरिकी, लगता है रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की की मांगें पूरी होने जा रही हैं। रूस यूक्रेन जंग में अब बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। दावा किया गया है कि अमेरिका के 10 करोड़ नागरिकों ने सीधी जंग की मांग की है कि यूक्रेन की जमीन से रूस के खिलाफ अमेरिका सीधा युद्ध करे। दावा तो यहां तक किया गया है कि हो सकता है कि अमेरिका बड़ी तेजी से कुछ ही दिनों में अपने 13 लाख सैनिकों को यूक्रेन जंग में उतार सकता है। ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं, आखिर अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो रूस से सीधी जंग को तैयार हो रहा है। रूस को मारेंगे 13 लाख सैनिक। इधर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस जिस तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव और ओडेसा में भयानक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमले कर रहा है, उसकी वजह से अमेरिका की बाइडेन सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक की तबाही देखकर अब इस नतीजे पर पहुंचने लगा है कि अगर यूक्रेन में रूस के खिलाफ सीधी जंग नहीं की तो फिर रूस यूक्रेन के साथ साथ नाटो देशों को भी कच्चा चबा जाएगा। रूस को रौंदने को तैयार बाइडेन। हम आपको आगे बताएंगे कि रूस के खिलाफ अमेरिका जंग किस तरह से करने जा रहा है और अमेरिका के इस कदम को क्यों कहा जा रहा है कि रूस के खिलाफ अमेरिकी फौज आत्मघाती मिशन करने जा रही है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस ने यूक्रेन को किस तरह से तबाह कर रखा है। लगभग 1700 किलोमीटर के वॉर फ्रंट पर रूसी सेना यूक्रेनी सेना को तबाह कर रही है। नाटो ने भी पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर जबरदस्त दबाव बनाया हुआ है कि रूस के खिलाफ पूरी गर्मी भर चलने वाले काउंटर अटैक बहुत तेज करो। ज़ेलेंस्की की लाख कोशिशों के बावजूद यूक्रेनी सेना अभी तक दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना की पहली रक्षा पंक्ति को ध्वस्त नहीं कर पाई है। लेकिन इधर रूस ने मॉस्को पर हुए ड्रोन हमलों के जवाब में रूस ने यूक्रेन पर पिछले 36 घंटे में 800 हमले कर डाले हैं, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की और बाइडेन के पसीने छूट गए। Постійно в щоденному режимі працюємо з партнерами щодо посилення нашого повітряного щита. Крок за кроком ми додаємо захисту. Була окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова. Окупанти точно відчують наслідки нашої роботи. Серйозно відчують. Ми готуємо низку міжнародних заходів. Тиждень буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики. रूस पहले ही कह चुका है कि वो 12 गुना रफ्तार से हथियार बना रहा है। दावा यह भी किया गया है कि 4 जून 2023 जब से रूस के ऊपर यूक्रेनी सेना ने काउंटर अटैक किया है, तब से रूस ने यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार को 12 गुना तक बढ़ा दिया है। इधर नाटो देशों से मिले 20 लाख करोड़ के हथियार भी यूक्रेन को बढ़त नहीं दिला पाए हैं, बल्कि रूस ने चुन चुन कर अमेरिकी हिमास रॉकेट, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, ब्रैडली टैंक को तबाह कर डाला है या फिर कब्जा कर लिया है। अमेरिका को साफ लगने लगा है कि यूक्रेन जंग हार रहा है और हार का सारा ठीकरा अमेरिका और नाटो देशों पर आ जाएगा। इसलिए अब बाइडेन सरकार ने फैसला किया है कि यूक्रेन की जमीन से रूस से सीधी जंग की जाए। अमेरिका में हुए एक सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अमेरिका का हर तीसरा नागरिक रूस से सीधा जंग करने को तैयार है। जरा ये सर्वे देखिए।
रूस पर अमेरिका के हमले को लेकर बहुत बड़ा सर्वे हुआ है। रेड फील्ड और वेल्टन स्ट्रेटजीज ने रूस पर हमला करने को लेकर सर्वे किया है। सर्वे में दावा किया गया है कि अमेरिका की एक तिहाई आबादी अमेरिकी सेना को यूक्रेन भेजना चाहती है ताकि रूस पर अमेरिकी सेना हमला कर सके। अमेरिका में 31% मतदाताओं ने साफ कहा है कि अमेरिका अपनी सेना यूक्रेन भेजकर रूस पर हमला करे। अमेरिका की जनसंख्या इस वक्त 33,36,00,000 बताई जा रही है। उस हिसाब से अमेरिका में 11 करोड़ से ज्यादा लोग अब रूस पर हमला करने का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि 34% अमेरिकियों ने यह भी कहा है कि यह अमेरिका के लिए बहुत घातक कदम होगा और हमें रूस के खिलाफ सीधा युद्ध नहीं करना चाहिए। रूस को मारेंगे 13,00,000 सैनिक। अमेरिका में हुए सर्वे के मुताबिक और बाइडेन सरकार की बौखलाहट को देखकर डिफेंस एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर रूस को और ज्यादा दिन जंग में टिकने दिया गया तो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदल जाएगा। रूस के साथ चीन, ईरान और उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ साथ पूरे यूरोप के लिए नासूर बन जाएंगे। जिस तरह से पुतिन के इशारे पर लिथुआनिया और पोलैंड पर रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, उससे भी अमेरिका सख्ती में है। Польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории, сегодняшнюю Западную Украину. ऐसे में अगर अमेरिकी सेना यूक्रेन की जमीन पर 13,00,000 सैनिकों को उतारती है तो फिर युद्ध कयामत तक चलेगा। रूस को रौंदने को तैयार बाइडेन। हैरानी की बात तो यह है कि दूसरी तरफ यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों से यूक्रेन की कमर टूटने लगी है। कीव और ओडेसा में 11 इलाकों में भीषण हमले रूस की तरफ से हो रहे हैं। दावा तो यह भी किया गया है कि रूस ने ट्रिपल हमलों की सीरीज यूक्रेन में शुरू कर रखी है। दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के खार्किव और ज़ापोरिज़्या में रूस ने 1,00,000 सैनिक, 1200 टैंक, 800 तोप और 421 रॉकेट से हमले और तेज कर दिए हैं। रूस के इस हमले को देखकर यूक्रेन और नाटो समझ रहे थे कि रूस का प्राइम टारगेट सिर्फ यूक्रेन है, लेकिन रूस ने पिछले 36 घंटे में युद्ध की पूरी बाजी पलटनी शुरू कर दी है। नाटो अभी तक यूक्रेन के काउंटर अटैक को जिताने के लिए फोकस किए हुए था, लेकिन अब नाटो पोलैंड और लिथुआनिया को रूस के हमले से बचाने के लिए मजबूर होता जा रहा है। रूस ने बेलारूस से लगती पोलैंड और लिथुआनिया की 400 किलोमीटर सीमा पर बहुत बड़े हमले को हरी झंडी दे दी है। Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Но что касается Белоруссии, то это часть союзного государства. И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. पुतिन ने पिछले 3 हफ्तों से यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों पर सबसे ज्यादा खौफनाक हमले किए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि रूस की सेना नाटो के हथियारों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। नाटो के लेपर्ड 2 टैंक, चैलेंजर टैंक, हिमार्स रॉकेट और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को धमाकों के साथ उड़ाया जा रहा है। अब तक यूक्रेन का 45% तोपखाना रूस तबाह कर चुका है, जबकि यूक्रेन को नाटो से मिले 31% हथियार कारखाने में मरम्मत के लिए भेज दिए गए हैं। इधर पुतिन के हवाई और जमीनी हमलों ने यूक्रेन के टैंकों का कछूमर निकाल कर रख दिया है। रूस के दावों के मुताबिक यूक्रेन के दर्जनों टैंक जोरदार धमाके से उड़ा दिए गए हैं, जिसमें से कई टैंक धमाके की वजह से पेड़ों पर लटक गए और कई जमीन में दफन हो गए। Відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза. Найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном
Стотомиром наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. अमेरिका के साथ दिक्कत यह है कि अगर वो यूक्रेन को जंग में अकेले छोड़ देगा तो पूरी दुनिया से अमेरिका का रुतबा खत्म हो जाएगा। 80 साल के बाइडन को भी लगने लगा है कि कहीं रूस से पिटने के बाद उन पर यह धब्बा ना लग जाए कि अमेरिकी इतिहास का सबसे डरपोक और कमजोर राष्ट्रपति बाइडन है। वहीं दूसरी तरफ 70 साल के पुतिन के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर यूक्रेन जीत भी लिया तो फिर पोलैंड की तरफ रूस पर नाटो हमले शुरू कर सकता है। इसीलिए अब पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन जीतने से पहले पोलैंड पर हमला शुरू कर दें, ताकि नाटो का ध्यान यूक्रेन से ज्यादा पोलैंड को बचाने में लग जाएगा, क्योंकि पोलैंड नाटो का मेंबर है। Jak wszystkie inne państwa sojuszu, taki jest fundament z naszego punktu widzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Najważniejsza gwarancja bezpieczeństwa. To dlatego jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, że on właśnie to gwarantuje. Gdybyśmy dzisiaj mieli dać tą gwarancję Ukrainie, polscy żołnierze musieliby jechać na front. Ja jako prezydent takiej decyzji podjąć bym nie chciał. ऐसे हालात में अगर 10 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी रूस के खिलाफ यूक्रेन में अमेरिकी सेना भेजने को तैयार हैं, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन की जमीन से कितना भीषण युद्ध हो सकता है। और अगर अमेरिका की सेना यूक्रेन की जमीन पर पहुंची तो याद रखिए, यूक्रेन की जमीन अमेरिकी लाशों से पट जाएगी। फिर रूस वो जंग करेगा जिसकी कल्पना दुनिया ने अभी तक नहीं की है।